Hi everyone, welcome to EJ Computer Edu classes. So in this particular lecture we will discuss practice set 7. Okay, so ye current affair related rahibo to basic ro bi cover up kara jauchi to je mone ichuk acho se sab jai dekhi paribo, right? To ye bola je amaro je bola ke OPSC OCS ro preliminary exam pa helpful rahibo, right? तो ये देखो से गुड़ा एपड़ किसी क्वेश्चन दिया जाए दैट इज रोज कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पीएम जय दैट इज रोज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दैट इज या बेस रोज से पचार कौन व्हिच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट तो करेक्ट कौटा से पचार तो पज कर और निजे अटेम्प्ट करने ट्राए कर आते जनईदे सब यार हूँ पीडीएफ तुम मत टेलीग्राम पाइपर ओके जो टेस्ट सीरीज भी दिया जाए ये भी पाइव तुम तो दैट इज रोज कौन कह स्टेटमेंट वन इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फुल्ली फाइनेंस्ड बाय दैट इज रोज गवर्नमेंट द्वारा हूँ फुल्ली फाइनेंस करा जाउची तो प्रथम कथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो समस्त जानते हो जो दैट इज रोज आयुष्मान भारत ओके एक कथा समस्त शुणी ठीक अच्छे ये ठीक अच्छे पॉइंट किसी भूल ही नुहे देन इट कवर प्री हस्पिटालाइजेशन एंड पोस्ट हस्पिटालाइजेशन एक्सपेन्सेस ये कथी कहुचे तो मुझे कहली दैट इज रोज ये हूँ आयुष्मान भारत जो तुम फ्लैगशिप स्कीम टा रही था गवर्नमेंट क्लियर तो मेन हूँ ये जी आम देखे स्कीम टा तो मेनली समस्त जानते रेकमेंड कर दैट इज रोज जो आम आधार करना देखिए एनएचपी जो 20 नेशनल हेल्थ पॉलिसी देव 2017 को आधार में ये जिनस कराइला तो मेनली उद्देश्य हूँ रही है आम कई भाया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर समस्त कई भाया मानने स्वास्थ्य गोटे सुविधा पाइपर दैट इज रोज बेसिक पॉइंट था जो भाया कह जाए ना एसडीजी अंडर जो भाई आम जानचे जो भाया हेल्थ केयर गोटे फैसिलिटी कि भाया आम गोटे मीट करें जो आम एसडीजी को ठीक अच्छे जहाँ भी आम इनिशिएटिव रही है एसडीजी तो कहीं जो भाया मानने स्वास्थ्य मानने लगे वन टाइप अफ पचरा नर तो दैट इज हूँ ये कनसेप्ट चली ओके या उपरे भी आम पूर्व आलोचना करूँ कितु ये हूँ जिनसा किसी जिनस रही तो हूँ जानवा दरकार ओके आज जान समे आयुष्मान जो भारत कथा जी आम कह ये हूँ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सीयरी लेवल रे हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करा जाए ठीक अच्छे आठ कहूनी मुझे प्राइमरी लेवल कौन टर्सीयरी लेवल कौन क्लीयर सेकेंडरी लेवल कौन ये कहुनि तो सिंपल हूँ बेसिक जिनस तीन टा लेवल हिं करें ओके तो ये फास्ट कथा गोटे प्रति फैमिली को ये हूँ के इन्सुरेन्स तुम रखी था ये जो लार्जेस्ट लिखाई है लार्जेस्ट हेल्थ इन्सुरेन्स स्कीम दैट मीनस हूँ ये इन्सुरेन्स इनश्योर कराई था ना क्लीयरली जिनसा तो के पार फैमिली को ये हूँ 5 लाख पर्यटन आप टू 5 लाख जाए हूँ इनश्योर कराई था आउ कितु माइंड रहा दरकार ये भी क्वेश्चन तुम आसो जो प्राइमरी सेक्टर ना सेकेंडरी ना टर्सीयरी हूँ 5 लाखटा रही था तो ये भी कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर सब कह सेकेंडरी और टर्सीयरी जो हेल्थ केयर पर क्लीयर तो ये हूँ बेसिक बेसिक जिनस मानने सेकेंडरी आज तुम जी कह टर्सीयरी हस्पिटालाइजेशन रही था ओके तो आउ क्यों मैंने बेनिफिशियरी ये पर्टिकुलर जिन पीएम जो जय कथ कह बेनिफिशियरी क्यों मैंने रही है दैट इज हूँ क्यों मैंने स्कीम लाभ नहीं पार्बे आम जी कहीपर तो दैट मीनस हूँ किसी क्राइटेरी रखा जाए जोटा कि आम क्राइटेरी कह मैंने सोशियो जो इकोनोमिक्स कास्ट जो होता 20 तुम 2011 कथा देख सोशियो इकोनोमिक जो कास्ट बेसीस तो जो मैंने डिप्राइव रोते ऑक्यूपेशनल क्राइटेरी किसी नि वृत्तिगत क्राइटेरिया निजी तो तार आधार से गुडाक चिन्हट कर तो पार्टिकुलरली मानने वन टाइप अफ मिल पार एम को तो रूराल बोथ उर्बान हूँ रेस्पेक्टिवली बुझे बुझे तो ये हूँ भी जानते कथा कारण के उर्बान रूराल कहीं भी कन्फ्यूजिंग कराइब कारण ये दुटा पॉइंट मुझे सिंपल रखी आहरी भी पॉइंट रही पार से एट ए टाइम गोटे जगार हूँ जिन सब कहीदे ओके तो ये हूँ कथा आज जो प्री हस्पिटालाइजेसन ये कह ये ठीक अच्छे प्री हस्पिटालाइजेसन भी करें तुम जी देख पोस्ट हस्पिटालाइजेसन तो तीन दिन मानने वन टाइप अफ कौन ये भी सहीटा सेमती किसी नुहे ओके तो मैंने प्री हस्पिटालाइजेसन कह कौन बुझुच मानने पाखापाखी तुम तीन दिन पूर्व जेटा ठीक अच्छे तीन दिन पूर्व हस्पिटालाइजेसन जो खर्च एक्सपेन्स तो सीटा भी कवर अप रही था ये स्कीम अंडर में आ पोस्ट हस्पिटालाइजेसन इन द सेन्स दैट इज हूँ हस्पिटाल जो हस्पिटालाइजेसन जब आम कह 15 दिन क्लीयर तो 15 दिन पर डायग्नोसीस जहाँ भी रहा
मेडिकल रिलेटेड तो ता पुरन 15 दिन पर पजन रहिता हो आ गुटे एक तुम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे एट टाइम कोई दउचे सब जिनसो तो से पचारे ए जे पर्टिकुलर स्कीम होची किछि फैमिली साइज निकना रेस्ट्रिक्शन रहिता है कि किबा एज जेंडर निकना किछि रेस्ट्रिक्शन रहिता है कि ये भी तुम क्वेश्चन पड़ी थाई ओके तो दैट मींस होचे तुम कहबो इट होचे नो रेस्ट्रिक्शन क्लियर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज ये हमचे डायरेक्टली तुम क्वेश्चन रहिता है ओके तो आई थिंक क्लियर होइला तो एबे जानी परथो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट अछि स्टेटमेंट 2 भी मोदे इटे करेक्ट अछि सो हियर सी विल बी योर मोर एप्रोप्रिएट आंसर राइट तो आम नेक्स्ट जेवा कौन कहा जाऊ देखो तो ये एमएसएमई क्या कह जाऊ देखो कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हमें देखा क्या उपरे ना एमएसएमई उपरे दैट मींस होची माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्लियर तो या उपरे होची स्टेटमेंट करेक्ट ना इनकरेक्ट पचार दैट इज होची करेक्ट कथा पचार जाइछि तो स्टेटमेंट 1 रे कोन रखा जाइछि देखो दे हम ए माइक्रो एंटरप्राइज इज 1 इन व्हिच द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कथा कहूछि जहां भी तुम इन्वेस्ट करूछो इन प्लांट एंड मशीनरी ठीक अच्छे तो जहां भी हो सके हमें और इक्विपमेंट कथा देखो तो जहां भी हमें गोटे माइक्रो लेवल उद्योग जो कहे कुटीर उद्योग जो कथे कहे तो ये उद्योग जिते मानते सेटअप करूचे तो इन्वेस्टमेंट वन टाइप अफ आम कौन कही पार्बा तो दैट मीनस गोटे मेसीन सपोज मुझे कह जगार गोटे उद्योग सेटअप रोचे तो जहां भी मेसीनारी गोटे लगे ठीक अच्छे जंत्र ना तो सीट कम हम ठीक है तो दैट मीनस इक्विपमेंट हो प्लांट हो मशीनरी हो डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज तो 1 करोड़ रु केबे भी से जगह रे 1 टाइप ऑफ अधिक हेइ नथिबो एंड टर्नओवर वार्षिक जहां भी लाभ रहउची ठीक अछि 5 करोड़ रु एक्सीड होबोनी केबे भी ए कथा एटी कहा जाउची दैट मींस होउची ये करंट अफेयर रिलेटेड जिंस सब तुम देखो ओके दैट मींस होउची आ एमएसएमई रो तुमर क्वेश्चन हे रहिताय दैट इज होउची माइक्रो एंटरप्राइज कथा कहा जाउची आ ता प्रूवर कोइ दउची ए कथा एटी मीनिंग होउची यार स्टेटमेंट आ ता पोज करो तुमे ताको पढो कोनटा उत्तर होइ परबो तुमे एनालाइज करो ताको ओके तो तथापि जे माने जानिनो कहि दउची तो माइक्रो गुटे रहिला आ गुटे तुमर होउची कोन जोटा कि स्मॉल एंटरप्राइज कहउचा मीडियम जोटा ठीक अछि माइक्रो स्मॉल आ गुटे मीडियम कह जाय तरो वन टाइप ऑफ तो माइक्रो गुडा रे के गुडा ना वन टाइप ऑफ जेउठी होची तुमर इन्वेस्टमेंट आमे जेतकी टका वन टाइप ऑफ कोन इन्वेस्ट करचो पूंजीटा जेउ लगाउ छ आमे वन टाइप ऑफ ठीक होची तो जहां भी मशीन किणी के ना हो आइदर से माने उद्योग रिलेटेड जहां भी सब जिंस मशीनरी हो तो 1 करोड़ रु केबे भी सेटा एक्सेस हेबोनी ने 1 करोड़ रु जेबडे अधिक न होए ओके जति अधिक होला ताहेले 1 करोड़ रु जदि अधिक होला सेटा स्मॉल एंटरप्राइज रासि जो नॉट माइक्रो बुझेला तो से हो जे स्मॉल एरिया आसी जेबो आ जते 10 करोड़ 1 रो 10 करोड़ भीतर जदी आसी गेला 10 करोड़ रो 1 टाइप ऑफ जदी अधिक होई गला ताहेले से आसी जेबो तमरो जे मीडियम एंटरप्राइज रे आसी जेबो क्लियर तो ये हो जे सिंपल सेंटेंस तला या भीतर कंफ्यूजिंग तमरो क्वेश्चन करे क्लियर ये हो जे बेसिक जिंसो कह देले देन आउरी भी गुटे क्वेश्चन जेबडे इते सेकंड पार्ट को देखो लक्ष्य करो डज नॉट एक्सीड टर्नओवर कथा कह जाय छी जदी भी से उद्योग रो वार्षिक जे लाभटा धर टर्नओवर बुझो क्लियर तो वार्षिक जहां भी टर्नओवर रहुची एनुअल टर्नओवर टा जदि आमे देखिबा 5 करोड़ रो जदि एक्सेस हला अधिक जेन भोला न होबो जदि अधिक होइगला से स्मॉल रे आसी जेबो क्लियर मान नॉट माइक्रो सेते बेले कोइ परबोनी बुझेला आ जदि मु कहुनी 5 करोड़ जते बेले 50 करोड़ जाय अप टू 50 करोड़ जाय जदि टर्नओवर रहला ताहेले आसी जेबो से होजे स्मॉल रे जदि ताटु अधिक मु कहिबे 250 करोड़ जाय आसला तो ताले आसी जेबो हम ऑबवियसली होजे मीडियम एंटरप्राइज क्लियर तो ये होचे बेसिक बेसिक जिंस तो सिंपल पॉइंट ये ठीक होचे किछि नै ये पॉइंट ठीक होचे तमरो ओके स्टेटमेंट 1 देन हमें जदि देखबा स्टेटमेंट 2 कोन कह जाउचे देखो तो स्टेटमेंट 2 रे कह जाउचे कंपनीज नीड टू सेटल देयर ड्यूज जहां भी बाकी रहउचे टू एमएसएमई विद इन 90 डे भीतर देबो क्लियर तो कंपनीज कोन किंबा तुमर मोर कहबा कथा जे तुमर कोन कह जाउचे देखो इ गुटे माइंड रे रही जबो कंपनीज का कह जाय किंबा सोल प्रोप्राइटरशिप जो कहे जन मात्र रही ओके देन जदि आम कह पार्टनरशिप ए सब जिनस कि एल एल पी लिमिटेड जो लायबिलिटी पार्टनरशिप ठीक अच्छे तो एल एल पी क्या कह कि सोल प्रोप्राइटरशिप कहले जड़े ही ओनर थी यही जो उद्योग पार्टिकुलर कहवा कथा जड़े ओनर रही है सब बेसिक जिनस भी किसी बद है कंपानी 50 कंपानी एक्ट कौन कहे 2013 रो एक्ट रही है सब एवार थी बेसिक हूँ तुम इकोनोमिक्स रही है सब जिन ठीक अच्छे तो
तो एठी से पचारूचे गोटे कंपनी देख जहाँ दौन कही दौर ओके बेसिक क्लास हूँ प्लेलिस्ट को जीवो रही ओके कंपनी नीड टू सेटल देयर ड्यूज ड्यू टू दैट इज हूँ ड्यू जहाँ भी बाकी रोचे टू एमएसएमई विथिन 90 डे भितर दबो कथा सेठी कहीदेला ओके तो दैट मीन्स हूँ ठीक अच्छे मुझे कह खाली कंपनी कथा दैट मीन्स हूँ विथिन 40 डे 45 डे ये हूँ इंपोर्टेंट जिनस ओके नंबर एट क्वेश्चन तुम मिस्टेक रही तो एक पॉइंट हूँ भूल आस तो भरल कहीदेली जिनस आज जदि कंपनी है सोल प्राइवेट कि तुम पार्टनरशिप है एलएलपी कथा है सब मेनली हूँ विथिन 15 डे भितर कंपनी देवा दरकार एमएसएमई को ना से कमी आगे जीव सिंपल जिनस कि आफ्टर तुम्हें कही पार 45 डेज भितर जिन क्लीयर रही दरकार एग्रीमेंट भितर यह सब जिन कहुई ओके तो दैट मीनस हूँ ऑप्शन ए विल बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर यार तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करवा ये कौन कह कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके तो सिंपल कथा ये कहुई देख कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सिंपल बार काउंसिल तुम ये क्वेश्चन रही है ओके तो बार काउंसिल समस्त जाच ठीक अच्छे तो बार काउंसिल कौटा तो दैट मीनस हूँ गोटे ये हूँ स्टैट्यूटरी बॉडीटा ओके स्टैट्यूटरी बॉडी जोटा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर पार्लियामेंट एक्ट पास करना जिन तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब आम देख तो ये हूँ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 ठीक अच्छे पॉइंट ओके तो ये तुम डायरेक्टली क्वेश्चन आसव कारण ये रिलेटेड रही करेंट अफेयर रो तो ये हूँ कौन कह स्टैट्यूटरी ये पचारिदे आज तुमको पचार स्टैट्यूटरी बॉडी ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये भाया क्वेश्चन गोटे रही है सेकंड थिंग तुम रही कौन ना ये हूँ कौ एक्ट आस एक्ट दे थोड़ा 1961 जगह 1965 तुम क्वेश्चन रोहे सिंपल ओके तो ये होता दैट मीनस हूँ कह हूँ सिंपल जिन यार कम कौन जाना दरकार ये भी तुम पचारिद ये किसी ना गोटे स्टांडार्ड सेट कर किसी स्टांडार्ड ये क्राइटेरिया दे स्टांडार्ड इन द सेन्स किसी गोटे वन टाइम कही पड़ा कौन सी न्याय लीगल एजुकेशन ठीक अच्छे आउ जहाँ भी सब ल यूनिवर्सिटी ल जो डिग्री गुड़ा सब पाच तो यूनिवर्सिटी जहाँ भी खुलू तो ये को परमिशन दे थे ग्रांट कर जिनस ओके तो ये भी इंपोर्टेंट जिनस भी जाना दरकार या को भी स्टेटमेंट वाइज रखा जा पार ये लिखाई ना सेकंड पॉइंट इट कैन गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अदर एडवोकेट तार माने कौन दैट मीन ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया यार गोटे फंड रही है ना तो ये फंड रही जहाँ भी पैसा रहा ये से एडवोकेट मान वेलफेयर में भी खर्च हम एडवोकेट मान वन टाइप ऑफ जहाँ भी क्रिएशन कर फंड एडवोकेट मान फाइनेंशियल असिस्टेंट हेल्प कर जगे ठीक अच्छे वन टाइप ऑफ मान सुविधा है कही पार्टी अधिकार सुविधा है कि एडवोकेट मान किसी इंटरेस्ट रहा जी आम कही पार वन टाइप ऑफ दैट मीन हूँ प्रिविलेज क्या कह क्लियर जहाँ भी इंटरेस्ट रहा तो ये फंड थ्रो तुम क्लीयर ये जिनस गुड़ाई था ये बहुत इंपोर्टेंट जिनस ये जाना दरकार बहुत जिनस भी प्रमोट करपोर्ट किए लोको कौन नहीं रिफर्म तक ये सब जिन प्रति रही था ये बेसिक बेसिक जिनस कहीदेली ओके तो सेमती नुहे खाली से फंड जिन लो लाइब्रेरी करते प्रकार जिन सब वन टाइप अफ यही लीगल एजुकेशन को प्रोत्साहन देते तो या उपरे भी जहाँ स्टेटमेंट रहा है सी ठीक हम किसी प्रोब्लेम नहीं ओके तो दैट मीनस हूँ स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट राइट दैट मीनस ऑप्शन नंबर सी विल बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन कह कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी से कथ कह ठीक अच्छे तो या गोटे सिंपल जिनस तुम दि जाइए जी से उपरे तो ये हूँ जाना दरकार दैट मीन ये कहुच्छे देख स्टेटमेंट तुम आगे पज करो और निजे ट्राए कर दैट मीन ये कौन कहुच्छे स्टेटमेंट वन इन इंडिया बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन इश्यू ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड ये कथा कहुच्छे ओके एंड स्टेटमेंट टू दिज आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ये जिन क्लीयरली बुझे थी जो प्रीवियसली टेस्ट सीरीज गुड़ा ठीक अच्छे तो ये कहूनी जेहतु करेन्ट अफेयर रिलेटेड तुम ये लेक्चर रोचे राइट तो तथा समस्त जानव जी तुमको टी बिल के क्वेश्चन रोहे टी बिल से यूपीएससी रे भी क्वेश्चन रोचे तुम ओके आउपीएससी तो भी मोस्ट तो देख टी बिल टा सब जान से पचार गोटे जिन सर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म क्लियर सर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तो ये हूँ गोटे तुम बेसिक क्वेश्चन ये गोटे पचार ठीक अच्छे दैट मीन आफ्टर 360 फोर डे भितर तुम रोच वन टाइप ये दैट मीन ये सर्ट टर्म क्लियर आ गवर्नमेंट जब सिक्यूरीटी क्या पचारे दैट मीन ये हूँ तुम कौन दैट मीन ये भी सर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म ये भी जानते दरकार लॉन्ग टर्म रे जीव ओके तो कौन रही थे कौन नहीं डिस्कस कर।
जेते बेले गवर्नमेंट कहितले तुमको जेते बेले जो गवर्नमेंट सिक्युरिटी टा वन टाइप ऑफ आमे कोई परिवार जेते बेले बिक्री करा जाय ना सेल करा जाय थाय वन टाइप ऑफ डिस्काउंट प्राइस रेट रे सेते बेले से जिंस को कोन को जाय थाय ठीक अछि तो कूपन बोंड कोन ए सब जिंस ऊपर रिलेटेड करै दिथिले आई थिंक क्लियर होला ओके तो ट्रेजरी बिल ये होचे शॉर्ट टर्म कहबो आ होचे जदि लॉन्ग टर्म कथा कहबो गवर्नमेंट बोंड आमे कहि परबा बुझेला तो एठी होचे पचारा जाय छे इन इंडिया बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू ट्रेजरी बिल एंड बोंड क्लियर तो ए कथा एठी कहा जाउ छे नाही इट इज सिंपल डायरेक्टली कहि दउ छे जिनसडा ओडवा हबो देखो ये होचे तुमर जदि आमे कहि मु कहबे सेंट्रल गवर्नमेंट माइंड रखो सेंट्रल गवर्नमेंट जदि देखिबो ये बोथ इशू करिताय दैट इज होचे टी बिल भी आ होचे गवर्नमेंट बोंड भी दुटा जिनस किंतु स्टेट गवर्नमेंट रि कथ कह केवल ओनली हूँ बंड क्लीयर ये हूँ माइंड लक मैंने आमको कौन कह जाए दैट मीनस बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन इश्यू ट्रेजरी बिल एंड बंड हम कि नुह रईट तो स्टेटमेंट वन हूँ तुम ये कौन हो रंग ओके एंड दि जन रही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन फ्रॉम गवर्नमेंट केमती के हिजो ये तो बुझे ठीक अच्छे ये भी भूल हो तो नाइदर वन नोर टू ये हूँ आसो ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट हूँ जावा ये कौन कह देख कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट दुटा दि जाए तुम हूँ पचारा जाए स्टेटमेंट वन द पार्लियामेंट हेज एनाक्टेड इंटरस्टेट रिवर व्टर डिस्प्यूट जो आई एस आर डब्ल्यू डी एक्ट 1956 समस्त जान आउ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट भी तुम क्वेश्चन रही कौ आर्टिकल रे संविधान रो सिंपल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तुम ओपीएससी रो क्वेश्चन रही क्लियर तो आज ये बोली कथा ना यूपीएससी रो भी तुम स्टेटमेंट वाइज रे क्वेश्चन रही आईएस रो क्लियर तो ये हूँ क्वेश्चन से आधार रखा जाता है करंट अफेयर रिलेटेड जेहतु रही तो मोस्ट आवरी इंपोर्टेंट रही है द पार्लियामेंट हेज एनाक्टेड इंटरस्टेट रिवर व्टर डिस्प्यूट एक्ट 1956 फॉर एडजुडिसिएशन और डिस्प्यूट जहाँ भी है रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर ये कथा ये कह जाए सिंपल तो कौन ठीक अच्छे किसी ना भूल ओके आज जो जानते हैं भी लक्ष्मीकांत भी ये क्लीयरली मेनसन रही जिनस देन सेकेंड पॉइंट कौन कह द प्रेसीडेट अफ इंडिया राष्ट्रपति क्लीयर प्रेसीडेट अफ इंडिया कन्स्टिट्यूट व्टर डब्ल्यू डी टी दैट मीनस व्टर डिस्प्यूट ट्रिब्युनाल ये हूँ किए किए कन्स्टिट्यूट करते कहे ना प्रेसीडेट अफ इंडिया हूँ कन्स्टिट्यूट करते कहे नट प्रेसीडेट अफ इंडिया ये हूँ किए कन्स्टिट्यूट करता है ये सेन्ट्राल गवर्नमेंट सेन्ट्राल गवर्नमेंट कन्स्टिट्यूट करें कौन पर कन्स्टिट्यूट करता है ना जदि भी किसी मानने जदि सपोज मुझे कहबी एक्ट पार्टिकुला जो 1956 रो एक्ट जो आई एस आर डब्ल्यू डी एक्ट कथा जब देख ये पार्टिकुलाली कौन जिनसा मानने ये करें जी कह जदि भी कौ स्टेट रे आम व्टर डिस्प्यूट जी आसला रिवर रिलेटेड व्टर डिस्प्यूट जब आसा इंटरस्टेट बुझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इटे कौन मत दब ना ठीक अच्छे ये जिनस को खाली जे वन टाइप अफ जे आम नेगोसीएसन करद से सब हेनी ये जिनस को आम कौन करा गोटे तार गोटे ट्रिब्युनाल दैट मीनस हूँ व्टर डिस्प्यूट ट्रिब्युनाल ट्रिब्युनाल एडजुडिसन जहाँ भी जल भित्तिक बद र तो आई थिंक क्लियर रहा तो ऑप्शन जदि आम देखा ये हूँ टूटा भूल अच्छे वन हूँ ठीक अच्छे कौटे अच्छे देख दैट इज हूँ ऑप्शन ए विल बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर यार तो आई थिंक क्लियर रहा ओके तो ये हूँ बेसिक बेसिक जिन किसी रही था तापूर्व जन अलग भी तुम रही प्ले लिस्ट को डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे प्ले लिस्ट को जीव विभिन्न प्रकार के तुम सी भिडियो पाइपर बेसिक रिलेटेड ओके तो ये हूँ क्या थैंक फर वाचिंग।